जगह का नाम है भीम सिंह का संदूक। ठीक माउंट एवरेस्ट के नीचे आ चुके हैं। बहुत बड़ा पहाड़, इट्स वेरी स्टीप। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन थीटा। हाँ, आग बहुत जल्दी कैच करते हैं ये। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे को रास्ता है। ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नए जगह जो कि थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही कम लोग जाते हैं वहाँ पर, कम जाते भी हैं और कम गए भी हैं। जगह का नाम है भीम सिंह का संदूक। संदूक बोले तो यहाँ से कम एक डेढ़ घंटा दो घंटे का रास्ता है, पूरी ट्रैकिंग, फुल माउंटेन एरिया। और अब देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा, चुन चुन के दिखाऊंगा, चुन चुन के मारूंगा। रास्ता कुछ अभी ऐसे है, और छतरी भी ले जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो सकती है। और एक और जना आ रहा नीचे से, दिखाता हूँ मैं आपको कुछ नई नई जगहें अनएक्सप्लोर्ड। बाय बाय, चलो चलो। इसे बोलते हैं हम क्या, कौन सा खेत है? ठुलखेत। हाँ। ठुलखेत बोले तो बड़ा खेत, बड़ा देख रहे हो कितना बड़ा खेत है, सबसे बड़ा खेत। और अभी हम काफी नीचे से आ चुके हैं, इसे बोलते हैं हम जड़िया खत। क्या बोलते हैं? जड़िया खत बोले तो जड़े मजबूत वाले। हाँ, यहाँ की जड़े बहुत मजबूत है। ओ भाई, ओ भाई, सही, बहुत ही शानदार जगह ये चढ़ाई। तो भाई साहब, हम ठीक माउंट एवरेस्ट के नीचे आ चुके हैं। इनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट यहीं पे है, क्योंकि आजकल धूप इतनी है कि वो बर्फ पिघल चुकी है, बर्फ पिघल चुकी है, गर्मी इतनी है, क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो चुका है, लोगों ने आग जला दी, इसलिए थोड़ा बर्फ पिघल गई। माउंट एवरेस्ट बहुत था, लंबा ऊंचा भी था। ये ऊंचाई देखिए इसकी, हम ये ट्रैक काफी हार्ड है, इट्स वेरी स्टीप, बहुत ज्यादा ही। तकरीबन 12-13 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं, कम से कम 12 किलोमीटर तो नहीं, 2-2.5 किलोमीटर है। 12-13 किलोमीटर हम आ चुके हैं और हमारे यहाँ पसीना निकल गया है, क्या करें। This is so beautiful, बहुत ही सुंदर जगह है, चट्टान ही चट्टान। ये जगह कुछ ऐसी है भाइयों, ये ले रहा है फोटो, यहां जाना है मैं बलिया पे। हाँ, ये नजारे दिखाता हूँ, वो हो बहुत थक गए हैं, ऐसा है कुछ नजारा। Thank you.
यस चलो भागो। और हम आ गए हैं टॉप पे। ये है व्यू। ये है पाइन कोन्स, इनको पहाड़ियों में बोलते हैं ठिट ठिट कॉस थीटा। वैसे ये थीटा होता है, थीटा साइन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। सो ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन थीटा। हमारे साथ है दो संस्कृत के खिलाड़ी, सेफ्टी भी लेके आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज तो यहाँ पर आते हैं सुअर बैठने के लिए, इसलिए इस जगह का नाम है सुअर खाओ। आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे सुअरों ने काफी सारे गड्ढे कर रखे हैं। सुअरों के निशान देखिए पैरों के। ओ तेरी सुअर का बच्चा, कोई बात नहीं बैठने दो। जगह ऐसी है। सो अभी हम कुछ आधे रास्ता कवर कर चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं बस अब। और ये जो आप ये काला काला देख रहे हैं, अभी ग्रीनरी इतनी ज्यादा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जंगलों में जो आग लगती है उसकी वजह से ये सब आपको काला काला दिख रहा है। ये जो पाइन के पत्ते होते हैं, चीड़ के पत्ते, ये सूख जाते हैं तो ये उसका काम करते हैं, किसका आग, हाँ आग बहुत जल्दी कैच करते हैं ये पाइन के पत्ते। सो अगर बाय चांस आप जंगलों में आते हो ऐसे पाइन वाले, तो आप यहाँ पर कभी भी कोई बीड़ी सिगरेट फेंकोगे तो उससे आग लगने की संभावना बहुत होती है। ये चीड़ के पत्तों में केरोसिन की मात्रा पाई जाती है। केरोसिन की मात्रा पाई जाती है सही में, तभी इसलिए जल जाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, तो अब हम पहुंचने वाले हैं भीम सिंह के संदूक में। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे को रास्ता है। ये है बांज का जंगल, बांज का पेड़ है। कौन सा है भीम सिंह का संदूक? ये इस भीम सिंह का संदूक? ये रहा भीम सिंह का संदूक। अरे यार ये तो बड़ी ही दुर्घटना, बड़ी बात हो गई। ये है भीम सिंह का संदूक। अरे ये नहीं सर। गाइस ये है भीम सिंह का संदूक। ये साल मत दुर्गी हां भाई आवा नहीं तो कछो अबे अमल तोरी भाई फुलाला मारी माया हम तोरे हम तेरी बुलाया भी देख। आ गए भीम सिंह के संदूक। सो भाई साहब हम पहुंच गए भीम सिंह के संदूक। ऐसा कहा जाता है कभी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। ये जगह बहुत ही शानदार है, सच में संदूक है ये। अभी खोलेंगे थोड़ी देर में। एक और बार बजा।